आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बंगाल की, जहां ईडी एक्शन पर सियासी घमासान जारी है। पश्चिम बंगाल में ईडी पर अटैक को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस का हाथ बता रही है। सबूत के तौर पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख का वीडियो शेयर किया है। वीडियो 1 जनवरी का है, यानी ईडी पर अटैक के महज 4 दिन पहले का है, जिसमें वो ईडी और सीबीआई के खिलाफ जहर उगलता सुनाई दे रहा है। वीडियो में वो ईडी और सीबीआई को बीजेपी की पूंजी बता रहा है। साथ ही धमकी भरे लहजे में कह रहा है कि अगर उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो वो सारे दांत तोड़ देगा। तो ये वही शख्स है जिसके घर पर ईडी कार्रवाई करने के लिए गई थी। शाहजहां को बार बार कॉल किया गया, लेकिन जब उसने कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ईडी घर का ताला तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान भारी भीड़ के बीच ईडी के अधिकारियों को घेर लिया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है, मारपीट की जाती है, सर तक फोड़े गए हैं। इसके साथ ही साथ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद इस बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि ये टीएमसी की गुंडा करती है। पश्चिम बंगाल में ईडी पर अटैक के बावजूद ईडी का एक्शन नहीं रुका है। ईडी का एक्शन अभी भी लगातार जारी है। ईडी की टीम ने राशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। राशन घोटाले में ईडी की टीम ने टीएमसी नेता और गोगांव के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आध्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कल ईडी की टीम पर जो हमला हुआ था उसे लेकर ईडी का बयान भी सामने आया, जिसमें दावा किया गया है कि करीब 800 से 1000 लोगों ने हमला किया। इन लोगों ने जान लेने के इरादे से हमला किया था, जिसमें ईडी के 3 अफसर गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही ईडी के अफसरों के मोबाइल और लैपटॉप तक छीन लिए गए हैं। प्री प्लान तरीके से हमला किया गया और इस हमले में कोशिश ये की गई कि जो अधिकारी अपना काम करने के लिए गए हैं उन अधिकारियों की जान ले ली जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए, साथ ही उनके साथ जो उनका सामान था उसे भी लूट लिया जाए। इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। इसे टीएमसी की सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। पूरा मामला राशन घोटाले का है। राशन जो गरीबों के लिए बांटा जाना था, उस राशन को इन लोगों ने बेच दिया, खुले बाजार में बेच दिया, यह आरोप लगाया गया और इसी पर ईडी छानबीन कर रही है। और इस वक्त मेरे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। अतुल, ईडी अब आगे क्या क्या एक्शन ले रही है और कितने ऐसे लोग हैं जिन पर शिकंजा कसा जाना है इस राशन घोटाले को लेकर? देखिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन राशन घोटाले की ईडी कर रही है। जो ईडी के 3 अधिकारी घायल हुए थे वो इस जो ठीक मेरे पीछे मणिपाल हॉस्पिटल है इसके अंदर ये तीनों अधिकारी जो है वो एडमिट है। जो पहला नाम जो राजकुमार राम जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये सीरियस है और आईसीयू में एडमिट है और अभी भी ईडी के अधिकारी जो है वो यहाँ पर इनको इनका हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ जो दूसरा नाम है वो है सोमनाथ दत्ता जो कि एनफोर्समेंट ऑफिसर है, और तीसरा नाम जो अंकुर गुप्ता ये असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है, ये भी इस समय इसी मणिपाल अस्पताल के अंदर भर्ती है। और जिस तरीके से शेख शाहजहां की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से 24 परगना के अंदर रेड करने ईडी पहुंची थी, ईडी को इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि काफी बड़ी संख्या में हवाला का पैसा शेख शाहजहां के घर पे था। इसके अलावा अवैध हथियार भी काफी संख्या में उसके घर पर है। इसकी पुख्ता जानकारी के बाद ही ईडी जो है वो शेख शाहजहां के यहाँ पे 24 परगना में पहुंचती है। और जो हमें ईडी के टॉप सोर्सेज है उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो शेख शाहजहां है वो ज्योति प्रिया मल्लिक जो कि मंत्री रहे हैं टीएमसी की सरकार में, पश्चिम बंगाल सरकार में, उनको गिरफ्तार ईडी ने किया था इसी राशन घोटाले के अंदर, उनके भी काफी करीबी है। तो पूरा हवाला का पूरा पैसा और काफी संख्या में कैश ईडी को जो टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कैश इतना मिलने की आशंका थी कि शायद नोट गिनने की मशीनें लेकर वहां पर हमें मंगानी पड़ती। तो इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन जो ईडी की चल रही है राशन घोटाले में, जिस तरीके का पूरा जो नेक्सस सामने आया है उसको लेकर शेख शाहजहां की अरेस्ट की गई। तो अभी ईडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जिस तरीके से कल ये पूरा जो ईडी की टीम के ऊपर हमला होता है, 3 अधिकारी घायल होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान घायल होते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी जांच पे ब्रेक लगा है। लेकिन एक और गिरफ्तारी अड्डा की आज सुबह शंकर अड्डा की गई, उसके बाद क्योंकि 19 घंटे लगातार उससे पूछताछ की गई थी। लेकिन जो ये पूरा राशन घोटाला है, ईडी का कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन लगातार चलती रहेगी, हम इन हमलों से घबराने वाले नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी उसके बाद हम लोग जो है वो शेख शाहजहां के यहाँ पहुंचे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो लोग इंजर्ड है ईडी के जो ऑफिसर्स है उनको देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तो पूरी अभी अगर हम कोलकाता की बात करें, बंगाल की बात करें, तो जो पूरे तरीके से हलचल है यहाँ पर, ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसको लेकर कहीं ना
कहीं टीएमसी के लोग, क्योंकि जो शेख शाजा है उसका नाम भी उसके उसकी फैमिली का नाम उसका नाम टीएमसी से जुड़ता है, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो ईडी करे, ईडी का कहना है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन पर इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो बिल्कुल इस घोटाले की जांच तो होगी, इन सबके बीच सियासत इस बात पर गरमाई हुई है कि ईडी की कार्रवाई को रोकने की कोशिश किसने की। ईडी पर हमले को लेकर बीजेपी ने टीएमसी और कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने पूछा कि संविधान को खतरे में कहने की बात करने वाले लोग आज कहां हैं? इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए और तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोगों को देना चाहिए। मोदी जी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अगर कार्रवाई होती है तो क्या उन लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? और याद करिए कौन है, सैकड़ों करोड़ के गरीबों के राशन घोटाले का मामला है, वहां पर ईडी के लोग जाते हैं, जो इंक्वायरी चल रही है, कई मामले हाईकोर्ट के निर्देश में चल रहे हैं, वहां पर ईडी के लोगों पर हमला होता है। और यही लोग हैं जो मोदी जी के खिलाफ कहते हैं संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान का खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन कर रहा है संविधान का खिलवाड़? क्या राहुल गांधी, क्या ममता जी, क्या बाकी लोग? और आज जब संस्थाओं को हत्या के इरादे से हमला किया जा रहा है भ्रष्टाचार के मामले, तो ये खामोश है? ये बहुत गंभीर सवाल है। तो बीजेपी जबरदस्त हमलावर इस वक्त हो गई है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का कहना है कि इस मामले में ईडी आगे और भी कई लोगों को गिरफ्तार करेगी। तो होना ही था, जो करप्शन हुआ है, इस करप्शन में बहुत सारे तृणमूल नेताओं के नाम है, और जिस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया ऐसा अरेस्ट और भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लगता है हमें देखने के बाद जो मीडिया रिपोर्ट वगैरह आते हैं, तो उसे ये पूरा क्लियर है कि तृणमूल कांग्रेस के हर जिले में ऐसे नेता है जो नेता पैसा खाया है और पैसा खा के करप्शन किया है। तो करप्शन की चार्जेस उनके ऊपर है, तो आगे आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में अगर वो सहयोग नहीं करते तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, करेंगे अरेस्ट। ईडी सीबीआई है इसके लिए।